हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा खलील, आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ एप्पल जूस, ठीक है, वो भी लेमन के साथ। क्योंकि एप्पल जूस जो है वो खुदा नखास्ता अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाता है तो उसमें बताया जाता है कि एप्पल का जूस जो है वो उसमें लेमन जोड़ के पिया जाए, तो उससे हमारा प्लेटलेट भी मेंटेन रहते हैं और जो बुखार की वजह से जिस्म में तोड़ फोड़ कमज़ोरी हो जाती है उससे भी ताकत मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास गोल्डन एप्पल हैं अच्छे अच्छे से, ठीक है। इनको सबसे पहले हम काट लेते हैं, ठीक है। इनको छीलना नहीं है, ठीक है। हमें जो है वो इसी तरह चाहिए, छिलके के साथ ही मैं इनका जूस बनाऊंगी। यहाँ मैंने एक बॉल में पानी ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा नमक भी डाल लिया ताकि हमारे जो एप्पल हैं वो कटने के बाद काले ना हों। तो इसी तरह हम इनके पीसेस बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इनका जो है ये चीज़ हम इस तरह से निकाल देंगे और इस तरह बाकी के पीसेस जो हैं हम इस तरह से इसमें रख लेंगे। तो ये एप्पल आजकल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो हमें वैसे भी एप्पल जूस पीना चाहिए, ठीक है। और जो डेंगू फीवर आजकल बहुत चल रहा है, फैला हुआ है, तो उसके लिए तो स्पेशली डॉक्टर भी बोलते हैं और घर में ही इसका जो है ना एप्पल जूस जो है जितना पिया जाए बना के, इसका एक इलाज है, एक मेडिसिन के तौर पर ये लोग फ़ौरन से पेशेंट को देना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमारे प्लेटलेट मेंटेन रहते हैं, इससे हमारा जो है वो फीवर जो है वो ख़त्म हो जाता है और जिस्मानी ताकत भी मिलती है इससे, ठीक है। ये आयरन से भरपूर होते हैं, तो वैसे भी हमें खुद भी पीना चाहिए और बच्चों को भी जो है हमें एप्पल का जूस पिलाना चाहिए डेली बेसिस पे, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह हम सारे एप्पल सारे कट के हैं, ठीक है, सारे मैंने इसको पानी में रख लिया है ताकि काले ना हो। तो इनके छिलके मैंने इसलिए नहीं उतारे हैं कि छिलकों में ही सारे विटामिन्स होते हैं, तो छिलके हमें खाना भी छिलके के साथ चाहिए एप्पल, ठीक है, छिलके उतार के नहीं खाना चाहिए। और जूस के लिए भी मैंने जो है छिलके नहीं उतारे हैं, मैंने कहा आपको बता दूँ तो आप लोग कहेंगे कि छिले भी नहीं है। आपने देखे थे हमारे पास कितने थे और इतना सा हमारे पास जूस निकला, ठीक है। अभी इसमें हम जो है लेमन जूस निचोड़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। इसके ऊपर ये जो फॉम की तरह झाग सा आ गया इसको मैं निकाल लेती हूँ इसमें, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए जूस में, तो इसको मैं चम्मच से निकाल लेती हूँ। जूस को भी इसमें गिलासों में डाल लेते हैं, एकदम प्योर जूस है एप्पल का, बहुत ही फ्रेश जूस, और ये फ्रेश जूस तो बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। अब इसमें हम बर्फ के क्यूब्स डाल देते हैं, चलिए जी। तो एप्पल जूस हमारा बनकर रेडी है। यहाँ पर जो हमने स्पेशली आपको बताया है कि खुदा नखास्ता किसी को डेंगू फीवर हो जाए तो इसमें जो है एप्पल का जूस बताते हैं लेमन डाल का, ठीक है, तो वो मैंने स्पेशली तैयार किया है। तो यहाँ पर एप्पल जूस बनने की रेसिपी जो है शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखी है। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया एप्पल जूस बनाने का तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।